नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी डीएनएस में। काशी विद्यापीठ के एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन की डेट आ गई है, जो कि आपके सामने एक फ्लैश हो रहा होगा नोटिफिकेशन, जिसमें बताया गया कि 12 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई के बीच में आप लोग करेक्शन करेंगे। करेक्शन कैसे करना है कि आप अपने पोर्टल पर जाकर के लॉगिन कर लेंगे और वहाँ पे एजुकेशनल डिटेल और पर्सनल डिटेल को आप एडिट कर सकते हैं। जैसे अपना नाम में अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, DOB में कोई गलती हो गई है, तो उसका करेक्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि मान लीजिए कि उस टाइम जब आपने फॉर्म भरा था किसी का रिजल्ट नहीं आया था या फिर आपने मार्क्स गलत डाल दिए थे, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल में और पर्सनल डिटेल में आप बदलाव कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कोर्स आपका चेंज नहीं हो सकता है, उसके अलावा मैक्सिमम चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं। कुछ बच्चे ये भी कह रहे होंगे कि सर क्या फॉर्म भरने की डेट बढ़ेगी, तो देखिए फॉर्म भरने की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी ये कंफर्म तो नहीं है। अच्छा, एक और समस्या आ रही थी आप लोगों की, कई सारे बच्चे थे कि सर जो है कई सारे लोगों ने पेमेंट कर दिया है लेकिन उनका रिसिप्ट डाउनलोड नहीं हो रहा था। तो अगर आपका भी रिसिप्ट डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हम देखना चाहते हैं कि ऐसे कितने छात्र हैं, इससे हम लोग काशी विद्यापीठ में जाकर के इस बात को पहुंचा सके। हालांकि करेक्शन की डेट की जो नोटिफिकेशन थी कल देर रात को ही आ गई थी, क्योंकि बच्चों आप देख सकते हैं इस समय हम लखनऊ विश्वविद्यालय में, थोड़ा सा घुमा दीजिए इधर कैमरा, तो इस समय हम लखनऊ आए हुए थे और कल रात को भी ट्रेवल कर रहे थे और सुबह में लखनऊ विश्वविद्यालय का अलग अलग शिफ्ट में यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम चल रहा था, तो इसीलिए टाइम नहीं मिला कि हम आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दें। तो अभी जस्ट जैसे ही अभी हम निकले हैं तो ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, तो आप 12, 13, 14 तीन दिनों के अंदर आप करेक्शन कर सकते हैं अगर आपने कोई गलती किया है फॉर्म भरने में तो। और हाँ, जिन्होंने पेमेंट कर दिया उनका रिसिप्ट डाउनलोड नहीं हो रहा है या प्रिंट आउट नहीं हो पा रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ, अब क्या आप चाहते हैं कि फॉर्म भरने की डेट बढ़वाई जाए, तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बात करें कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए भाई आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम 20 जुलाई के बाद कभी भी हो सकता है। जैसे ही कोई डेट कन्फर्म आएगी तुरंत आपको बताया जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी एडमिट कार्ड जब तक आपका, तो एंट्रेंस का डेट सीट कन्फर्म होगा नहीं तब तक तो आपका एडमिट कार्ड आएगा नहीं, तो एडमिट कार्ड तभी आएगा जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट सीट कन्फर्म होगा। तो यही सब अपडेट थी। अगर आप करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको करेक्शन का अलग से वीडियो दे देंगे। हालांकि मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग आराम से लॉगिन करके करेक्शन कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। करेक्शन करने के बाद उसको फाइनल सबमिट कर देंगे प्रीव्यू करके, तो फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी बस इतनी अपडेट थी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, आपको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जैसे ही हमें टाइम मिलेगा, जैसे यहाँ पर सुटेबल रहेगा टाइम, या फिर जो है जैसे टाइम मिलता है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं हमारे पास, जो है बनारस में हम हैं नहीं, लखनऊ में है, तो जैसे ही टाइम मिलेगा अलग अलग टाइप के हम वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।